बोलता था शादी होगा हम लोग का, अभी हम कुछ करते नहीं हैं, हम कुछ करेंगे तब ना। वहाँ पे हमको बहुत मारा, उसका माँ बाप सब मिल के मारपीट बहुत किया मेरे साथ। अचानक से किसी से शादी करवा के उसको भगा दिए घर से, उस लड़की के साथ। अब क्या चाहते हैं? हम उसी से शादी करना चाहते हैं। जीजा के भाई ने 6 साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया, फिर दूसरे से शादी रचा ली, जिसके बाद पीड़िता न्याय के लिए दर बदर की गुहार लगा रही है। मामला भागलपुर के कमलपुर सजौट थाना का है, जहां की शशि रंजन की शादी 2015 के कादिरगंज नवादा में हुई थी, जिसके बाद शशि रंजन के छोटे भाई देव प्रकाश के द्वारा युवती से दोस्ती हुई और बाद में दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बना। उसके बाद देव प्रकाश द्वारा लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया गया, फिर अचानक 9 दिसंबर 2021 को देव प्रकाश ने शादी कर ली। पीड़िता को जब इस बात की सूचना मिली तो वो सजौट थाना के सहयोग से उसके घर पहुंची। थाने के गाड़ी के जाने के बाद पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जिसका आवेदन सजौट थाना में पीड़िता ने दिया है। उसके बाद लगातार पीड़िता को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। को केस किए थे उस देव प्रकाश को लेकर कि वो 5 साल से मेरे साथ रह रहा है, कि शादी होगा हम लोग का बात करेंगे घर पे, और वो अचानक चुपचाप वो लोग शादी करके और कहीं चला गया किसी से शादी करके, कोई लड़की से। तो हम जैसे ही पता चला हम उसके घर पे गए कि आप लोग तो बोले थे करवाएंगे तो दूसरे से करवा दिए, तो वहाँ पे हमको बहुत मारा, उसका माँ बाप सब मिल के मारपीट बहुत किया मेरे साथ। हमको मायागंज में हम गए वहाँ इलाज करवाने, हम थाना कॉल किए तो वहाँ से मैडम हमको मायागंज ले गई, वहाँ मेरा इलाज हुआ। उसके बाद फिर सब कुछ घर आए तो फिर हमको धमकी बहुत देने लगा केस उठाने का। केस कौन? वही मिथिलेश सिंह और अवधेश सिंह, उसका भाई। किससे प्रेम था आपका? अवधेश सिंह का साला देव प्रकाश से था। और वही हमको रखे हुए था। कितना दिन से? 5 साल से संबंध भी बना था। हाँ, 5 साल से। क्या कहता था? बोलता था शादी होगा हम लोग का, अभी हम कुछ करते नहीं हैं, हम कुछ करेंगे तब ना। और 1 साल पहले वो भी मिथिलेश सिंह के साथ बालूघाट में वो भी काम करने लगा, उसके बाद मेरे से थोड़ा बातचीत कम करने लगा। तो हम उसके घर पे बोले तो वो लोग बोले ठीक है देखते हैं देखते हैं। वैसे करते करते एक दिन वो अचानक से किसी से शादी करवा के उसको भगा दिए घर से, तो लड़की के साथ। और जैसे ही हमको पता चला हम आए उसके घर गए, वहाँ मारपीट किया, उसके बाद केस हुआ, फिर केस हुआ उसके, उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो हम आज यहाँ आए एसपी ऑफिस में, और हमको उसी के साथ रहना है क्योंकि 5 साल उसके साथ रहने के बाद हम किसी और के साथ नहीं रहेंगे। कैसे आपको प्रेम हुआ था? वो उसके घर दूर के रिलेटिव हैं, हम उनके घर आते जाते थे। क्या रिलेटिव? वो मेरे जिया जी का भाई लगते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम उसी से शादी करना चाहते हैं। एसपी साहब से मिले, क्या शासन मिला? बोले कि उसको अरेस्ट किया जाएगा। देव प्रकाश के जीजा मिथिलेश सिंह, जो अपने आप को बालू माफिया बताते हैं, के द्वारा भागलपुर उल्टा पुल पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं सीनियर एसपी ने युवती की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है।